अजहर ने अपनी टीम को, अपने देश को, अपने हजारों फैंस को धोखा दिया है। आज हम बात करेंगे इस हफ्ते रिलीज हुई फिल्म अजहर की। फिल्म अजहर की शुरुआत में ही यह स्पष्ट कर दिया गया है कि यह फिल्म पूर्व क्रिकेट कप्तान मोहम्मद अजहरुद्दीन की बायोपिक नहीं है। यह फिल्म उनके जीवन की कुछ घटनाओं से प्रेरित होकर बनाई गई है, जिसमें कल्पना भी जोड़ी गई है। हैदराबाद में एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे सीधे साधे अजहर ने अपनी मेहनत से भारतीय क्रिकेट टीम में स्थान बनाया। अपनी कलात्मक बल्लेबाजी से पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। कप्तान के रूप में सफलता हासिल की, फिर ग्लैमर की चकाचौंध में खो गए। एक फिल्म अभिनेत्री से दूसरा विवाह भी रचाया और मैच फिक्सिंग कांड में फंस गए। अदालत में लंबी लड़ाई जीत कर खुद को बेगुनाह साबित किया। कितने में बेच दिया देश को अजहर? अफसोस की बात है कि निर्देशक टोनी डिसूजा अजहर जैसे खिलाड़ी के साथ न्याय करने वाली फिल्म नहीं बना पाए। अजहर की जिंदगी का सबसे चमकीला पहलू उनकी बल्लेबाजी है। उन्हें कलाइयों का जादूगर कहा जाता था, क्योंकि अपनी कलाइयों के बल पर वे इतने अच्छे शॉट लगाते थे कि दर्शकों के साथ साथ खेलने वाले भी दंग रह जाते थे। फिल्म में इन बातों का कोई उल्लेख नहीं मिलता। उनके खेल जीवन को फिल्म में इग्नोर कर दिया गया है, जबकि अजहर का सबसे मजबूत पहलू तो यही था। तू मुंह से बोलेगा तो कुछ ही लोग सुनेंगे, बल्ला बोलेगा तो सारी दुनिया को सुनना पड़ेगा। अजहर के जीवन के काले अध्याय मैच फिक्सिंग कांड को फोकस कर यह फिल्म बनाई गई है। तीन चौथाई फिल्म में यह बताया गया है कि अजहर पर तीन मैचों के फिक्सिंग के आरोप लगे, इस कारण उनके खेलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अजहर इस फैसले के खिलाफ अदालत गए और केस जीते। इस फिल्म में लंबा कोर्ट रूम ड्रामा भी है, जो बेहद बचकाना है। फिल्म के लेखक रजत अरोड़ा और निर्देशक टोनी डिसूजा ने रियल लाइफ किरदारों को लेकर इसमें कल्पना के रेशे डाले हैं। हमारी तरफ आजा, अल्लाह हमारे साथ। लगता है भूल गया बड़े भाई, मेरे नाम है मोहम्मद। हालांकि फिल्म के जरिए अजहर के जीवन के कुछ अनछुए पहलू भी उजागर होते हैं कि किस तरह कपिल ने अजहर का ऐन मौके पर साथ नहीं दिया। अजहर के साथी खिलाड़ी रवि लड़कियों के पीछे भागते थे। अजहर को खराब खेलने के लिए पैसों का ऑफर भी मिला था और मनोज नाम का एक खिलाड़ी ड्रेसिंग रूम का माहौल खराब किया करता था। इस तरह की बातों का और समावेश किया जाता तो फिल्म का असर और गहरा हो सकता था। सही काम कर लो, कोई याद नहीं रखता, एक गलत इल्जाम और सबने बुला दिया। फिल्म की शुरुआत अच्छी है, लेकिन धीरे धीरे अपनी पकड़ खोने लगती है। यह फिल्म उन लोगों को तो समझ में आ जाएगी जो अजहरुद्दीन के फैन हैं और क्रिकेट की समझ रखते हैं, लेकिन बाकी दर्शकों को यह कंफ्यूज करती है। आखिर कितने लोग समझ पाएंगे कि यह राज सिंह डूंगरपुर का किरदार है जो अजहर से पूछते हैं, मियां कप्तानी करोगे? तुम्हारे आगे बढ़ने की दुआएं मैंने मांगी, आज मुझे नीचे छोड़ दिया। अजहर का किरदार इमरान हाशमी ने निभाया है। कॉलर ऊंची करके और चलने फिरने का अंदाज जरूर उन्होंने अजहर जैसा अपनाया है, लेकिन अभिनय में उनकी सीमित प्रतिभा आड़े आ ही जाती है। प्यार में लोग जान देते हैं, रिश्वत लेते हैं। प्राची देसाई को कम फुटेज मिले हैं। नरगिस फखरी ने बहुत ही बुरी एक्टिंग की है। फिल्म में संवाद अच्छे हैं, लेकिन कई सिचुएशन और किरदारों पर यह फिट नहीं बैठते। इंडिया की हार की कीमत कितनी है? अजहर के जीवन पर एक बेहतरीन फिल्म बनाने का पूरा मसाला मौजूद था, लेकिन हिट विकेट होकर यह मौका जाया कर दिया गया। अजहर जैसे बड़े कद के खिलाड़ी के साथ यह फिल्म न्याय नहीं करती। इस फिल्म को हम 5 में से 2 स्टार देते हैं।